तो मैं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल वर्ल्ड फैक्ट्स टेक पर दोबारा से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो अपने वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर IAS ऑफिसर पलते हैं। सबसे पहले YouTube पर वीडियो किसने अपलोड किया, उसका ड्यूरेशन टाइम क्या था, और सबसे पहले पतंग किसने बनाया और उड़ाया, और पतंग उड़ाने का मकसद क्या है, और जो रेल की जो पटरियों पर हम कंकड़ डालते हैं, मतलब कंकड़ रहता है, उसका मेन मकसद क्या है, उसका पर्पस क्या है, जो आइकॉनिक स्माइली फेस लोगो होता है उसको किस शख्स ने डिज़ाइन किया, और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर धूप इतना ज़्यादा रहता है, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहता है कि जो है त्वचा बर्न हो जाती है। तो चलिए हम अपने इस वीडियो के अंदर अमेजिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि अफ्रीका में पाया जाने वाला एक बच्चा है 5 ईयर्स का, उसने 2005 में एक पोएम लिखा। वो पोएम इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ कि उसे द बेस्ट पोएम ऑफ 2005 के नाम से नॉमिनेट किया गया। उसका जो पोएम है समथिंग करके ऐसे है, व्हेन आई बर्न आई ब्लैक, व्हेन आई ग्रो अप आई ब्लैक, व्हेन आई गो इन सन आई ब्लैक, समथिंग करके आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 12, आपको पता है कि जो मच्छर होता है मॉस्किटो, वो मेल और फीमेल होते हैं, लेकिन हम लोग को बाइट कौन करता है, मतलब काटता कौन है, मेल मच्छर, मतलब कहने के वो वेजिटेरियन होता है, जो मेल होता है वो नहीं काटता है, लेकिन जो फीमेल होती है वही मच्छर हम सबको बाइट करती है, हमको और हम इंसानों को। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि जो ट्रेन होता है, ट्रेन के आसपास जो पटरियाँ होती हैं उसके आसपास पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, वो बिछाए जाते हैं। क्यों बिछाए जाते हैं? ऐसा इसलिए बिछाया जाता है कि जब ट्रेन स्पीड में आती है तो वो वाइब्रेट करता है, उसकी पटरियाँ जो वाइब्रेट करती हैं, तो जो पत्थर होता है, जो कंकड़ होता है, वो एक तरीके से स्प्रिंग का काम करता है। जब ट्रेन ज़्यादा स्पीड में आती है तो वो जो स्प्रिंग की तरह ऊपर नीचे होता है और जो है ट्रेन को वो सेव रखता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं, अगर हम उसकी जगह प्लास्टर कर दें तो प्लास्टर करने से क्या होगा, जो उसकी पटरियाँ जकड़ जाएंगी और इससे जो रेल एक्सीडेंट हो सकता है। और इससे ये भी फ़ायदा होता है कि जैसे कि जो कंकड़ डालने पर या पत्थर डालने पर ट्रेन की पटरियों के आसपास, ये होता है कि जो है वहाँ पर जो है पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। जब पेड़ पौधे नहीं उगेंगे तो उसमें जो है रेल जो ट्रेन एक्सीडेंट केसेस होती हैं वो कम होती है। फैक्ट नंबर 10, आप जो है हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2520 एक ऐसी डिजिट है कि 2 से 10 तक, मतलब 2 से 10 तक जो आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। फैक्ट नंबर 9, आपको हमारे स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा है, मतलब इमेज दिख रही है, आप देखकर क्या गेस कर सकते हैं, इसमें आप मतलब ट्वाइंस दिख रही हैं, दोनों बेबी, ये दोनों बेबी ट्वाइंस नहीं है, एक इसकी एक माँ की फ़ोटो है, दूसरी इसकी बेटी की, मतलब कह सकते हैं एक मदर और दूसरी डॉटर। मदर जो पहला डायग्राम है, डायग्राम फर्स्ट, वो 1980 की है, और डायग्राम सेकंड जो है वो 2004 की है, दोनों ट्वाइंस नहीं है। फैक्ट नंबर 8, जुगनू रात में क्यों चमकता है? मसला ये होता है, जब जुगनू इसलिए चमकता है क्योंकि जब वो रात के समय निकलता है अपनी भोजन की तलाश में या अपने खाने की तलाश में, तो ये होता है कि उसको जो पिछले वाला पार्ट है उसके पार्ट से केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन में जो ल्यूसीफेरिक और ल्यूसीफेरिन नाम का वो जो होता है प्रोटीन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो अपने आप को लाइटेड कर देता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है जो हमारी अर्थ है, जो हमारा पृथ्वी है, वो सन से अगर कंपैरिजन करें तो जो है सन पुराना है एज ए कंपैरिजन ऑफ अर्थ, लेकिन हम बात करें H2O की, वाटर जो होता है वो सन से भी पुराना है। फैक्ट नंबर 6, ब्राज़ील एक कंट्री है, वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे एक गांव है, साओ पाउलो नाम का अरारा से एक गांव है, वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पर के जो सनशाइन होती है, धूप होती है, वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वो स्किन को गला देती है, मतलब इंसान अपने आप को एकदम बदसूरत, मतलब एकदम ज़्यादा मतलब बर्न हो जाता है, दिखने में अजीब सी फीलिंग आती है, अजीब सा लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, बढ़ने से उनकी बॉडी जो होती है बर्न हो जाती है, जल जाती है। इस बीमारी को डर्मा पिगमेंटोसम यानी XP कहते हैं। लगभग 3% जनरेशन, मिलकर 3% के लोग जो है इस बीमारी से अफेक्टेड हैं।
फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि जो हॉर्स होता है उसके पास कितनी बोन्स होती है? जैसा कि हमारी बॉडी में टोटल 206 हड्डियां होती हैं, ठीक उसी तरीके से जो घोड़े होते हैं उनकी बॉडी में 205 हड्डियां होती हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि जो स्माइल लोगो होता है, जैसे कि व्हाट्सएप में यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम में, हर जगह यूज़ करते हैं, जो आइकॉनिक फेस लोगो होता है, उसको किस शख्स ने डिज़ाइन किया था? उसको डिज़ाइन करने वाले हार्वे रॉस बैल ने डिज़ाइन किया था। जब उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, उन्होंने क्या किया था, मतलब एक ब्लैक स्केच और येलो पेपर लिया, उस पर उन्होंने इस लोगो को बनाया। और जब उन्होंने इसको बनाया तो उनका जो है मतलब कॉस्ट जो पड़ा था $45। लेकिन क्या आपको पता है इस वक्त वो इसके जो है मिलियंस डॉलर की ऑनर है। फैक्ट नंबर 3, से काइट पतंग जो है हमारे इंडिया भारत देश का जो है वो एक नेशनल पर्व है, जिसे आप त्यौहार कह सकते हैं हमारे भारत में। तो पतंग हर कोई उड़ाता है, इवन मैं भी पतंग उड़ाता हूँ, मैं पतंग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं बहुत पतंग उड़ाया हूँ। कहने का मतलब है जो पतंग उड़ाने का मकसद क्या है। अच्छा, क्या आपको पता है कि पतंग को किसने सबसे पहले बनाया? बात है चाइना की, कब की? 2800 ईयर्स एगो की। चाइना के एक वू बैन थे, उन्होंने ही सबसे पहले पतंग को बनाकर और उड़ाया। क्या आपको पता है कि पतंग को उड़ाने का मकसद क्या है? हम सब एन्जॉयमेंट के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए पतंग को उड़ाते हैं, लेकिन इसका असल मकसद जो होता है वो दूरी मापने के लिए जो पतंग का इस्तेमाल करते हैं, और कहीं बैटल हो गई, लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया, तो वहाँ पे पतंग का इस्तेमाल करते हैं। और जो पतंग को जो है टेस्टिंग द वाइंड, मतलब कहने का हवा को, हवा की रफ्तार या जो है डायरेक्शन पता करने के लिए जो है पतंग का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि YouTube पर सबसे पहले किसने वीडियो अपलोड की थी? YouTube जो है वो मतलब मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया की सारी चीज़ें हम YouTube पर ही आते हैं। कुछ भी हमको पता करना हो, दुनिया का कुछ भी पता करना हो, वो हमें YouTube पर मिल जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे पहली वीडियो जो अपलोडेड की गई वो कौन शख्स है? वो तो मैं बात कर रहा हूँ जावेद करीम, जो इस वक्त जो है YouTube के को फाउंडर हैं। उन्होंने ही सबसे पहले अपनी वीडियो YouTube पर अपलोड किया था 2005 में, जो इन्होंने अपनी वीडियो को सबसे पहले YouTube पर अपलोड किया। और उसने YouTube पर जो पहली वीडियो अपलोड किया था, उस जगह टाइटल का नाम था मी एट द जू, उस वक्त वो जू में थे। फैक्ट नंबर 1, एक IAS ऑफिसर बनने का सपना हर कोई देखता है, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, CA हो, इवन एक वो स्टूडेंट क्यों ना हो, वो एक IAS ऑफिसर बनने का सपना देखता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत देश के उत्तर प्रदेश जिले के जौनपुर की बात कर रहा हूँ। जौनपुर में माधोपट्टी नाम का एक गांव है, वहाँ पर जिसे लोग IAS ऑफिसर वाला गांव कहते हैं, जिसे लोग कहते हैं कि यहाँ पर IAS ऑफिसर की खेती होती है। जी हाँ, अगर किसी शहर से एक IAS ऑफिसर का सिलेक्शन होता है तो उस शहर के लोग अपने आप को प्राउड फील करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माधोपट्टी गांव की, जो जौनपुर शहर में लोकेट है। वहाँ पे 75 होम्स हैं और उस 75 होम्स में अप्रोक्सीमेट 52 IAS ऑफिसर है। मैं बात कर रहा हूँ 1914 की, 1914 में क्या है कि मुस्तफ़ा हसन नाम के एक शख्स थे, उन्होंने सबसे पहले PCS जो है क्रैक किया IAS बनने के लिए। उन्हीं की देखी देखा जो है 1952 में इंदु प्रकाश ने IAS क्वालिफाई किया। उन्हीं की देखी देखा उनके 4 सगे भाइयों ने IAS ऑफिसर जो है बन गए, मतलब UPSC क्रैक कर लिया। तभी के बाद से उस गांव में लोगों में एक हलचल सी मच गई, लोगों में एजुकेशन अचीव करने की, मतलब वो IAS ऑफिसर बनने की एक होड़ सी उठ गई, मतलब नहीं मैं भी एक IAS ऑफिसर बन गया, मेरे पास से ये बने वो बने वो बने, करते 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 वो जो गांव है एक इतिहास में एक रिकॉर्ड कायम किया है। वो गांव क्या है? वो गांव जो है माधोपट्टी है और वो जौनपुर शहर में स्थित है।